क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों, YouTube के सभी साथियों। और आज हम जा रहे हैं, देख सकते हैं जैसे कि मेरे कंधे पे एक है, ये इसे कहते हैं फावड़ा। और हम जा रहे हैं आज खेतों में काम करने, अपनी देसी लाइफस्टाइल को जीने के लिए। वैसे मुझे काफ़ी टाइम हो गया काम करे हुए, मतलब ये वाला काम जो मैं अभी कर रहा हूँ। ऑल्दो मैं नॉर्मल काम तो करता रहता हूँ, बट आज ये है आपका फावड़ा। और आज होगी यहाँ पे खुदाई, और खुदाई करके हम निकालेंगे उसमें से, बाद में निकालेंगे, अभी तो अभी हम बीजेंगे, फिर सींचेंगे, फिर बड़ा करेंगे उन्हें, और फिर हम उनको काट के खा जाएंगे सब्जियों को। तो वो सब करने के लिए पहले हमें खुदाई करनी पड़ेगी। तो अभी हम चल रहे हैं, सब देख सकते हैं, मैं अभी खेतों में हूँ। और ये आपके खेत हैं, देख सकते हैं आप। तो गाइस ये मेरा कैमरा है, ये मेरा फावड़ा है। गाइस ये खुदाई हो रही है। तो गाइस अभी देख सकते हैं, ज़्यादा काम पूरा नहीं हुआ, अभी काम चल ही रहा है। और अभी हम बताते हैं आपको थोड़ी देर में। और उल्टे पास से कहीं चला था तू, तो इस पास से खुने दिया, खुने उस पास से खुलना। चोटी नहीं पा,
तो गाइस खुदाई हो चुकी है आज की। ये मेरे पीछे वाले नहीं, आपको मैं आगे से दिखाता हूँ। ये देखो हमने ये वाली खुदाई मैंने शुरू करी थी आज। बेसिकली नया गार्डन बनाया आज हमने खेतों में, तो ये यहाँ पर पानी की नहर बनाई है, ताकि ये देख सकते हैं ये नहर आपकी यहाँ से आ रही है। इस साइड साइड वाली जो आप देख रहे हैं जगह, यहाँ से अभी जो घास है ये यहाँ से पानी, ऊपर से हम पानी लाते हैं और ये यहाँ से होता हुआ हमारी ज़मीन यहाँ पर आएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये गोबर की है, देसी खाद बिल्कुल, गाय का गोबर देसी खाद बिल्कुल। तो ये देखिए बिल्कुल नहर यहाँ पे पूरी पूरी बना रखी है हमने, देख सकते हैं पूरी पूरी आपकी यहाँ पर, ये ताजी हमने अभी ही हमने यहाँ बनाई है ये, ताकि पानी हमारे गार्डन्स को जा सके। जो मैं आपको अपनी बेसिकली पुरानी वीडियोस में भी दिखा चुका हूँ, पानी की नहर चलती रहती है, तो वहीं से हम पानी को खींच के यहाँ तक लाएंगे, जिससे हमारे गार्डन्स को पानी मिले। ये हमने खुद बनाया है। और इसके अलावा हमारा ये वाला जो खेत है पूरा, ये हमारा दूसरी तरफ का भी ऐसे ही था, बट अभी हमने उसकी खुदाई कर दी है। तो खुदाई होने के बाद वो कुछ इस तरह से हो गया, जैसा कि अभी आपने देखा भी था वीडियो के पहले हिस्से में, तो उसमें मैं जैसे लगा हुआ था खुदाई करने, और मेरे पिताजी भी मेरे साथ लगे हुए थे। ये देखिए अब इसके इस पर बीज डलेगा और फिर सब्जियां जो हम उगाना चाहते हैं वो उगाएंगे। तो फिलहाल ये आज की हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो गया, और मैंने आपको दिखाया भी कि किस तरह से अभी भी मॉडर्न टाइम में भी हम आके अभी भी अपने देसी लाइफस्टाइल और देसी कल्चर को हमें अपने साथ रखना चाहिए। तो गाइस ये हमारा कैमरा, ये हमारा फावड़ा, पहले वाला था अब ये चेंज हो गया दूसरा, और वहाँ खुदाई हो चुकी है। जोक्स अपार्ट, बट गाइस आई होप आपको आज का ये देसी स्टाइल ब्लॉग फार्मिंग का पसंद आया होगा, बिकॉज स्टिल मॉडर्न, तो हम मॉडर्न लाइफ टाइम में भी हम रह रहे हैं, बट देसी लाइफस्टाइल हमारा कहीं ना कहीं हमारे से जुड़ा रहता है। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए ब्लॉग पर। टिल देन टेक केयर।